हेलो एवरीवन, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे अप टू द लेवल ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस्ड। अब इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, मैं एक दो चीजें बता दूं कि अगर हम जेई एडवांस के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो जनरली हम तीन स्टेप्स फॉलो करके चलते हैं। कोई भी चैप्टर अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो जेई एडवांस के लिए, तो जनरली तीन स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर वन क्या होता है, दैट इज कंसेप्ट। तो हर चैप्टर में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसेप्ट स्टडी करते हैं, या फिर कोई टॉपिक है वो टॉपिक स्टडी किया जाता है, ठीक है। एक बार अगर वो टॉपिक समझ में आ गया, उसके बाद क्या करते हैं, उस टॉपिक के ऊपर, उस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल्स करते हैं, इलस्ट्रेशंस करते हैं। दिस इज स्टेप नंबर टू। तो मान लो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया, सबसे पहला टॉपिक किया हमने, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया सपोज, तो वो एक बार अगर हमें समझ में आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। ये हो गया स्टेप नंबर टू, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक चलते जाएंगे, पहले कंसेप्ट समझेंगे उसका, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार अगर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, उस चैप्टर पे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो अगर तुम कोई बुक फॉलो करते हो, तो उसके लास्ट में जैसे एक्सरसाइज दे रखी होती है या असाइनमेंट दे रखी होती है, जिसमें क्या होता है, उस चैप्टर पे सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं होते, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं उस चैप्टर के। तो स्टेप नंबर थ्री इज उस चैप्टर की एक्सरसाइज, ताकि तुम्हें मिक्स क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो, क्योंकि अगर तुम टॉपिक वाइज कर रहे हो तो हमें पता होता है कि ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, तो हमारे लिए करना कंपैरेटिवली आसान रहता है। तो ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट होती है कि एक बार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसकी जो बैक एक्सरसाइज है किसी किताब में, तो वो वाली एक्सरसाइज हम सोल्व करें, ठीक है। सो जनरली ये तीन कंसेप्ट हैं जो हम फॉलो करते हैं किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। अब इसमें अगर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट हर चैप्टर में तुम्हें लिमिटेड मिलेंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 12, किसी में मैक्सिमम 15 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट इज लिमिटेड, नंबर ऑफ कंसेप्ट्स इज लिमिटेड, ठीक है। तो ये चीज मास्टर करनी बड़ी आसान है, और दिस इज द स्टेप नंबर वन, और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया तो उससे रिलेटेड अगर तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो अलग बात है, बट अदरवाइज अगर मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो वो वाला क्वेश्चन हम नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा। तो पहला काम तो क्या होगा, जब भी कोई टॉपिक किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड हमारे जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी उसकी डेरिवेशन है, जो भी उसकी थ्योरी वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया, वो पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। स्टेप नंबर वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर ये हो जाए, उसके बाद तुमने देखा होगा जैसे अगर तुम कोचिंग ले रहे हो तो होता क्या है कि टीचर पहले कंसेप्ट करवा देते हैं, उसके बाद उस पर इलस्ट्रेशन करवाई जाती है, 4 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो वो उस टॉपिक को समझने के लिए हम क्वेश्चन की हेल्प ले रहे हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जनरली तुम्हें डीपीपी वगैरह दे दी जाती है कि इस टॉपिक पे ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। तो स्टेप नंबर टू इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है। तो ये होगी इलस्ट्रेशंस, और इसको भी तुम लिमिटेड मान के चल सकते हो, ठीक, क्योंकि कोई भी जब कंसेप्ट तुम्हें समझाया जाएगा उस पे जो फॉलोअप क्वेश्चंस होंगे, 4 ले लोगे, 6 ले लोगे, 10 ले लोगे, मैक्सिमम 15 ले लोगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस लेने का कोई सेंस होता नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेड चीज है। अब एक बार अगर ये दोनों हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए प्रॉपर तरीके से, उसके बाद इसका मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा, उसके बाद तुम क्या करोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज के अगर तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठे हो तो हो सकता है तुम्हारे स्टडी मटेरियल में ये चीज गिवन हो, या फिर तुम कोई बुक फॉलो कर रहे हो उसमें एक्सरसाइज गिवन होगी, ठीक है। और इस क्वेश्चंस की, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज नॉट लिमिटेड, दिस इज अनलिमिटेड। तो पहली चीज तो ये, जब तक तुम्हारा स्टेप नंबर वन कंप्लीट नहीं होता, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, स्टेप नंबर टू पे नहीं मूव ऑन कर सकते, ठीक है। जब तक स्टेप नंबर टू क्लियर नहीं है, मतलब कंसेप्ट ही तुम्हें अच्छे से नहीं समझ में आ रखा, उसकी एप्लीकेशन नहीं समझ में आ रखी, तब तक स्टेप नंबर थ्री पे नहीं मूव कर सकते। तो पहली चीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों स्टेप्स हमारे क्लियर हों, उसके बाद ही उस चैप्टर पे क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस करने का आइडिया बनता है।
ठीक है। और ये वाली चीज जैसे कि मैंने कहा कि अनलिमिटेड है, तो कंसेप्ट तो अगर 10 है तो उस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हर साल एग्जाम होते हैं, जेईई के एग्जाम होते हैं, मेंस का होता है, एडवांस होता है, तो मोस्टली नए क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो तुम देख सकते हो कि हर साल उन्हीं कंसेप्ट पे नए नए क्वेश्चन बनाते रहते हैं वो, और इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग, इतने ज्यादा उसको घुमा फिरा के, तो जितने मर्जी ट्विस्ट डाले जा सकते हैं उसमें, जितने मर्जी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सारा डिफरेंस अगर किसी बच्चे के, किसी स्टूडेंट के ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं, ये दोनों स्टेप्स क्लियर हैं, तो उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो इस थर्ड वाले स्टेप में आएगा कि कोई बंदा कितनी उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा है, कितनी सेल्फ स्टडी कर रहा है, राइट। तो अब ये जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें पहले दो स्टेप्स पे फोकस करेंगे, स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू। तो हमने क्या किया है, चैप्टर को टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कुछ टॉपिक्स होंगे, 12 टॉपिक्स, 13 टॉपिक्स, 14 टॉपिक्स, तो टॉपिक वन टॉपिक टू उनको नाम दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद उस पर इलस्ट्रेशंस लेंगे, तो ये दो चीजें की जाएंगी यहाँ पे जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। और कोशिश रहेगी कि एक जो इलस्ट्रेशंस हम लेंगे, ठीक है, वो थोड़ी ज्यादा इलस्ट्रेशंस लें एज कंपेयर टू जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन हम ले सकते हैं, राइट। तो इलस्ट्रेशंस लेंगे, तो कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस हम कवर कर पाए इलस्ट्रेशंस में, बेसिक क्वेश्चंस भी लें, मेंस लेवल के क्वेश्चंस लें, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लें। तो इसमें जो चैप्टर करेंगे, ठीक है, उसमें मेन फोकस हमारा यही रहेगा कि पहले अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके उसके बाद उस पर अच्छी अच्छी इलस्ट्रेशंस ली जाए, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ठीक। और एक बार अगर तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उससे क्या होगा, तुम देखोगे कि इस इलस्ट्रेशंस के चलते हमने अराउंड 100 क्वेश्चंस तो हमारे प्रैक्टिस हो ही जाएंगे, ठीक है, थ्रू द इलस्ट्रेशंस। तो मतलब ये कि अगर ये दोनों स्टेप्स तुमने फॉलो कर लिए हैं तो उसके बाद यू विल बी रेडी कि तुम अपना कोई भी स्टडी मटेरियल उठाओ, कोई भी बुक उठा लो, उसके बाद अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो ये काम तुम्हारे लिए छोड़ा जा रहा है, ये दोनों चीजें फॉलो कर सकते हो तुम वीडियो के थ्रू, ये काम तुम्हारे लिए है, जो भी तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है उसको फॉलो करो, ठीक है। और जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें खुद भी फील आना स्टार्ट हो जाएगी कि तुम्हें क्वेश्चंस जो तुम स्टडी मटेरियल फॉलो कर रही हो उसके क्वेश्चन तुम्हें आसान लग रहे हैं या मुश्किल लग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपना मटेरियल डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल तुम्हें रेफर करना है, कौन सा फॉलो करना है, राइट। तो बस इसी चीज का ध्यान रखेंगे कि कंसेप्ट डिस्कस करके उस पे नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन थोड़ी ज्यादा लें, ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस लें और सारे लेवल को कवर करते हुए, बेसिक मेंस और एडवांस को कवर करते हुए क्वेश्चंस लें, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। सो स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पता होगी, 10th में हम करते होते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, सेकंड डिग्री। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका मतलब क्या होगा, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। एंड सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या, सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री का मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2। सो सिंपली वी कैन से दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको, सो डेफिनेशन, An equation of second degree. Second degree का मतलब variable की highest power 2 हो, तो ऐसी equation mathematically देखने में कैसी लगेगी? So this would be of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. तो कोई भी equation अगर इस form में लिखी जाएगी तो उसको क्या बोल देंगे, quadratic equation। क्यों? क्योंकि इसमें जो variable है x, उसकी highest power कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो क्योंकि 2 है तो second degree equation है और इसका नाम क्या हो जाएगा, quadratic equation हो जाएगा, राइट। और यहां पे ये जो ए बी और सी हैं इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं इक्वेशन के, राइट। अब एक चीज का और ध्यान देना कि यहां पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना ए, इसको हमें जीरो नहीं होने देना, इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि पता चल रहा है अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक्स वाली टर्म बचेगी, तो वो वाली इक्वेशन कैसे बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। बी पे कोई कंडीशन नहीं है, बी 0 हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, सी 0 हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बस ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, ए बी सी को कोफिशिएंट्स बोलते हैं, इसमें से ये जो ए है ना
ए का स्पेशल नाम होता है, ए इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशियंट, लीडिंग कोफिशियंट। तो किसी भी इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा पावर वाली टर्म होगी उसका जो भी कोफिशियंट होगा उसको हमेशा लीडिंग कोफिशियंट बोला जाएगा। और ये जो बी है इसका तो नाम सिंपली कोफिशियंट ऑफ एक्स है, और सी को क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म बोल सकते हैं, सो सी इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये बस कंप्लीट डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक की, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, राइट? ओके, तो ये तो हो गई ये डेफिनेशन। अब इसके बाद सेकेंड जो स्टेप आएगा दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इसमें से x की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और उन x की वैल्यूज को बोला क्या जाता है एक्चुअल में, दे आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक वी कैन राइट इज सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्विंग द इक्वेशन, राइट? सॉल्विंग का मतलब टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसके लिए ये भी 10th क्लास में करते हैं। एक तरीका क्या होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मेथड नंबर 1 में लिख रहा हूं, मेथड नंबर 1 इज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये एक तरीका होता है। ठीक, एग्जांपल से देखते हैं इसको। सो एग्जांपल इज सपोज x square minus 4x plus 4 is equal to 0. ये quadratic equation है जिसको solve करना है। तो ये जो बीच वाली term है, middle term, x का coefficient कितना, minus 4, इसको दो numbers के sum में break करके लिखा जाएगा। कौन से दो numbers? minus 2 and minus 2. तो उनका sum तो minus 4 हो जाएगा, product कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम break करके लिखते होते हैं, x square minus 2x minus 2x plus 4 equal to 0. तो हो गया क्या, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन, x माइनस 2 आ गया, माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट? अब इन दोनों टर्म्स में से फर्दर x माइनस 2 कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में कितना, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की कितनी वैल्यूज आई, x इक्वल टू 2 आया सिर्फ, इट इंप्लाइज x इक्वल टू 2। ठीक है, या फिर ये बोल सकते थे कि यहां से भी x equal to 2 आना था, यहां से भी x equal to 2, तो x equal to 2 and 2 2 आ गई। ये बात ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी quadratic equation है, second degree equation है, तो इसके number of roots हमेशा कितने होंगे, दो roots होंगे। तो अगर सिर्फ एक ही value आ रही है x equal to 2 की, तब भी ये बोलेंगे कि इसके दो roots हैं, और वो दोनों roots कैसे होंगे, आपस में equal होंगे। So there are two roots of the equation, both are 2, right? तो ये हो गया हमारा एक तरीका कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, राइट? ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस 4x² - 5x - 6 = 0। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखते जाना कैसे देखते हैं इसको। सबसे पहले इन दोनों कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट कितना, -24 के बराबर है। तो -5 को भी ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनका प्रोडक्ट कितना हो, -24 हो। तो कैसा बन जाएगा ये, दिस कैन बी रिटन एज 4x² - 8x + 3x - 6 = 0, राइट? पहली दो टर्म्स में से 4x कॉमन, अंदर कितना x - 2 + 3 कॉमन, अंदर कितना x - 2 = 0, और इन दोनों टर्म्स में से x - 2 कॉमन, और बचा कितना 4x + 3 = 0। एक काम और कर सकते हो, इस वाले फैक्टर में से अगर तुम 4 कॉमन ले लो, तो कैसे लिखा जाएगा, 4x plus 3 by 4 into x minus 2 is equal to 0, right? तो अब या तो x plus 3 by 4 equal to 0 होगा, या x minus 2 equal to 0, so that means x equal to minus 3 by 4 or x equal to 2, so there are two roots of the equation and they are 2 and minus 3 by 4, ये बात ठीक है। तो अगेन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी आती थी। इसमें एक दो चीजें देख लो जो जो हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली चीज याद रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, दो रूट्स होंगे। ठीक है, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज तुमने क्या नोटिस की कि जैसे यहां पे x equal to 2 इसका रूट था ना, 2 का पहली बात तो मतलब क्या होता है कि 2 को अगर तुम इस इक्वेशन में रखोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी x equal to 2 रखने पे। तो रूट का मतलब that value of x will satisfy the given equation, ये रूट की डेफिनेशन है, इसको याद रखना।
दूसरी चीज, अगर x इक्वल टू टू इसका रूट है तो इसका मतलब x माइनस टू इसका डेफिनेटली क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, यहां पे भी देख सकते हो, अगर x इक्वल टू टू रूट है, x माइनस टू इसका फैक्टर होगा। अगर x इक्वल टू माइनस थ्री बाय फोर इसका रूट है तो x प्लस थ्री बाय फोर इसका फैक्टर होगा। तो इन शॉर्ट x इक्वल टू एल्फा अगर इसका रूट है तो x माइनस एल्फा हमेशा इक्वेशन का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये बात ठीक है। अब यहाँ पे दोनों रूट टू टू हो गए थे तो दोनों फैक्टर्स क्या हो गए, x माइनस टू हो गए। ये होगी एक चीज, राइट। और एक फाइनल चीज और देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन थी, इसके दो रूट्स आए, x इक्वल टू टू, x इक्वल टू माइनस थ्री बाय फोर, तो हमें पता चल गया इसके दो फैक्टर्स होंगे, x माइनस टू होगा, x प्लस थ्री बाय फोर होगा। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को इसके बराबर लिख सकते हैं कि ये जो लीडिंग कोफिशियंट है 4, ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, x प्लस थ्री बाय फोर एक फैक्टर, x माइनस टू दूसरा फैक्टर। तो इसका मतलब कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इक्वल टू जीरो ना ले तो इसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमेशा कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लीडिंग कोफिशियंट एंड मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, राइट। तो ये कुछ तीन चार पॉइंट्स हैं जो हमने यहां से ऑब्जर्व किए, इनको हम आगे जाके लिखेंगे, ठीक है, नोट करके लिखेंगे इसको पॉइंट्स बना के। तो अभी के लिए बस यहां से देख के सुन लो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक। तो ये हो गया पहला तरीका, मेथड नंबर 1 टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये चीज तुम्हें पता होगी कि इस मेथड की लिमिटेशन है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम इस तरीके से नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये तो हमें रूट्स पता थे, यहां से आइडेंटिफाई करना आसान था कि ये दो नंबर्स होंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए हमें पता चल गया, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो जब भी ऐसा करना पॉसिबल नहीं है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, अगर इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहां पे दूसरा मेथड डिस्कस कर रहे हैं, द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ओके। कमिंग टू द सेकंड मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और ये जनरल तरीका है, इससे तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है, ध्यान से समझना इसको, इसकी बड़ी ज्यादा एप्लीकेशन आएगी आगे जाके भी, बाकी चैप्टर्स में भी, ठीक है। तो देखते जाना, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं। तो मान लो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, मान लो ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो तुम क्या ऑब्जर्व कर सकते हो ना, कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स है, अगर इसके साथ बाय चांस प्लस फोर होता तो तुम क्या बना सकते थे उसको, x माइनस टू का होल स्क्वायर बना सकते थे, स्क्वायर कंप्लीट हो जाता हमारा, ठीक है। तो मतलब ये कि यहां पे हमें प्लस में कितना चाहिए था, प्लस का फोर चाहिए था, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्लस का फोर कर लेंगे, माइनस का फोर कर लेंगे, सो प्लस फोर कर लिया, माइनस फोर कर लिया, ठीक है। और ये प्लस थ्री तो साथ में रहेगा, इसका कुछ नहीं किया हमने, ये चीज है। अब इससे जो हमने ये प्लस फोर किया, इसको करने का पर्पस क्या था, कि ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन पाए। तो अब इसको तुम लिख पाओगे x माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये माइनस फोर प्लस थ्री का मतलब कितना, माइनस वन बना, उस साइड पे जाके कितना प्लस का वन बन जाएगा, ये चीज आ गई, ठीक। अब दोनों साइड पे अगर स्क्वायर रूट लोगे तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर वन है तो उस नंबर की वैल्यू कितनी होगी, या तो प्लस वन होगी या फिर माइनस वन होगी। सो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस टू इज इक्वल टू प्लस वन और माइनस वन। तो दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, एक बार x माइनस टू इक्वल टू वन रखेंगे, एक बार x माइनस टू इक्वल टू माइनस वन, तो या तो x इक्वल टू थ्री आएगा और x इक्वल टू वन। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें हमने खुद से ऑब्जर्व किया कि यहां पे प्लस फोर चाहिए हमें, तब जाके ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने जो चाहिए था उसी को ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, वो तो कर सकते हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे हुआ कि हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो इसी को बोला जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट। तो अब ये तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू देख लिया, अब इसी को जनरलाइज करते हैं। तो देखते जाना, सो इक्वेशन हमारी क्या है जिसको हमें सोल्व करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो पहला काम तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए स्टेप नंबर वन क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमेशा वन बनाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना, ए, तो इसको वन बनाने के लिए क्या करते हैं, सारे इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। और हमने डेफिनेशन में लिखा था कि ए कैसा होता है, नॉन जीरो नंबर, नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर है उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए, तो कितना आएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए
राइट right? अब ये इस फॉर्म की बन गई, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे ना, यहां पे तो हमें देख के पता चल रहा था प्लस 4 माइनस 4 करना है। अब इसका जनरल तरीका सुन लो कैसे देखेंगे, x का जो भी कोएफिशिएंट है b अपॉन a, इसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सुनना इसको। नेक्स्ट स्टेप इज x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax, इसको ऐसे रखा। क्या करना है, x का जो भी कोफिशियंट b अपॉन a, इसका हाफ करो। हाफ कितना आएगा, प्लस का b अपॉन 2a, ये आएगा। हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर कर लिए। तो ये वाली क्वांटिटी हमने अपनी तरफ से ऐड कर ली, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा, सो माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये तो सारा ऐसे साथ में है ही है, प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0, ये बात ठीक है। तो ये b अपॉन 2a होल स्क्वायर जो हमने ऐड किया, इससे क्या होगा, ये पूरे का पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो तुम यहां से नोटिस कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट x plus b upon 2a होल स्क्वायर, और ये तो सारा कांस्टेंट ही है, आप उसमें इनको सिंपलीफाई कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर लो चाहो तो। सो दिस वुड बी इक्वल टू कितना, b स्क्वायर upon 4a स्क्वायर minus c upon a, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये पे लिख रहा हूं मैं, एलसीएम कितना आएगा 4a स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा b स्क्वायर minus 4ac, ये चीज आ गई। अब इस साइड पे होल स्क्वायर है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो, प्लस माइनस का साइन आएगा, सो दिस वुड बी x plus b upon 2a is equal to plus minus इस सारे का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट b स्क्वायर minus 4ac, और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो कितना 2a हो जाएगा, सो दिस इज 2a। अब ये b upon 2a को किस साइड पे भेज दो, इसका भी डिनोमिनेटर 2a है, इसका भी 2a, तो एलसीएम कितना 2a आ जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो हमें करना क्या था, इसकी x की वैल्यू से तो फाइंड करनी थी, रूट से तो फाइंड करने थे इसके, तो x की वैल्यूज तुम्हारे सामने आ चुकी हैं abc की टर्म्स में, और यहां पे प्लस माइनस का साइन है, एक बार प्लस का साइन रखोगे x की एक वैल्यू आएगी, मतलब एक रूट मिल गया, माइनस का साइन रखना x की दूसरी वैल्यू आएगी, मतलब दूसरा रूट मिल गया। सो हियर कम्स द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसके रूट्स फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। तो नेक्स्ट टाइम से इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं, ठीक है। बट ये मेथड जरूर याद रखना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पहले भी तुम्हें बताया था, इसकी आगे जाके बड़ी ज्यादा एप्लीकेशन आएगी, ठीक। तो मेथड याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। और ये तुम्हें पता होगा कि ये जो बीच वाली क्वांटिटी होती है b स्क्वायर माइनस 4ac पूरी, दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो इसकी बात भी बाद में जाके करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखेंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सबसे पहले ट्राई करेंगे मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, अगर उससे नहीं हो पाया तो हमारे पास जनरल तरीका कौन सा है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। तो डेफिनेशन हमने देख ली है क्वाड्रेटिक की, उसके बाद उसको सॉल्व करना हमने सीख लिया, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस जो हमने पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो ऑब्जर्वेशन से, उन्हीं पॉइंट्स को एक बार नोट की फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट। तो नोट करके कुछ दो तीन पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैज टू रूट्स, ठीक। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जितने डिग्री की इक्वेशन होती है हमेशा उसके उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, तो हमेशा दो रूट्स होंगे, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, इफ एक्स इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0,
अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई एक रूट x इक्वल टू अल्फा है तो रूट का मतलब ही क्या होता है कि वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह अगर अल्फा रख दे तब भी वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगी। ठीक, अगेन रूट की डेफिनेशन बड़ी बेसिक चीज है। पॉइंट नंबर थ्री, इफ x इक्वल टू अल्फा इज अ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन अगर x इक्वल टू अल्फा इसका एक रूट है तो हमने देखा था कि x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा। सो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। x माइनस अल्फा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, राइट right? तो ये तो चीज याद रखना, अगर x इक्वल टू अल्फा रूट है x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा, अगर x माइनस अल्फा एक फैक्टर है तो x इक्वल टू अल्फा क्या होगा, उसका एक रूट होगा। ठीक, ओके, एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर इज इफ x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन दिस इंप्लाइज a x square plus b x plus c can be written as, every polynomial can be written as the product of its factors multiplied by the leading coefficient. So a times x minus alpha into x minus beta. ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, इनको याद रखना, राइट right?